ठीक है, मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ कि लास्ट क्लास में क्या किया था। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने पढ़ा था मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड स्ट्रेंथ। तो इसमें मैंने बोला था कि पीके के बेसिस में हम लोग एसिड स्ट्रेंथ हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी। तो जितनी ज़्यादा जितना कम पीके होगा उतना ही ज़्यादा कंपाउंड एसिडिक होगा। ठीक है, देर वॉज अनदर मेथड जहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देख के हम लोग बता सकते हैं कि वो एसिड स्ट्रांग है या वीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड बेस सिस्टम यूज़ करते हैं। अगर एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो कम स्टेबल है, ठीक है, अगर वो बेस क्या है कम स्टेबल है तो वो जो एसिड होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और अगर जो उसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है तो जो एसिड होगा वो वीक होगा, ठीक है, सॉरी स्ट्रांग होगा। तो इसमें क्या होता है, डिपेंड करता है कॉन्जुगेट बेस पे। वीक गलत लिखा हुआ है, ये स्ट्रांग है, ठीक है। तो अगर ये स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल नहीं मोस्ट स्टेबल, तो अगर कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है तो उसका जो एसिड होगा वो ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होगा, ठीक है। तो SO4 क्या है, काफ़ी स्टेबल है तो ये जो एसिड है ये स्ट्रांग है, ठीक है। NO3 भी स्टेबल है तो HNO3 भी स्ट्रांग होता है। CLO4 ज़्यादा स्टेबल है, CLO4 नेगेटिव, तो ये HClO4 भी काफ़ी एसिडिक है। लेकिन इनके बीच में कैसे हम लोग कंपैरिजन करेंगे वो डिपेंड करता है कि कॉन्जुगेट बेस कौन सा कितना ज़्यादा स्टेबल है। तो इनको कंपैरिजन करने के लिए हम लोग इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। Cl में कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, SO4 के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, NO3 के 2 हैं और CLO4 के 4 हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो CLO4 ज़्यादा स्टेबल है, देन SO4 2 नेगेटिव, देन NO3 नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, ठीक है। तो CLO4 नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है, देन SO4 2 नेगेटिव, देन NO3 नेगेटिव, देन Cl, तो HClO4 ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होगा, देन H2SO4, देन HNO3, देन HCl, ठीक है। तो HCl इसमें वीक होगा और HClO4 सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो हायर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी होगी और उतना ही ज़्यादा उसका जो एसिड होगा वो स्टेबल होगा। फिर मेटल हाइड्राइड्स के बारे में बात किया था। तो जब कोई भी नॉन मेटल है और वो हाइड्राइड हाइड्रोजन के साथ अटैच है तो उसकी जो एसिडिटी है वो दो तरीके से डिपेंड करती है। अगर उनका साइज सिमिलर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगी, और अगर साइज में ज़्यादा डिफरेंस है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड नहीं करेगा, साइज पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें दिखाया है कि HF, HCl, HBr, HI, तो FCl, BrI चारों का जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, सिमिलर साइज़ नहीं है। तो इनका बॉन्ड लेंथ के ऊपर हम लोग देखेंगे, जिसकी जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है उतना कम स्ट्रेंथ होता है, तो H+ आयन जल्दी रिलीज हो जाएगा। हाउएवर इन केस ऑफ सेम मेटल आयन, जैसे सेम पीरियड में अगर हम लोग बात करें, HF है, H2O है, NH3 है और CH4 है, तो इसमें कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन और सॉरी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑल्दो कार्बन का साइज़ बड़ा है, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा है, लेकिन जो इनके बीच में जो है डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर उनके बीच में जैसे मैंने यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ध्यान देंगे, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा है वही सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है वो हाइड्रोजन से उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा और H+ आयन उतनी जल्दी रिलीज कर देगा, ठीक है। एसिड ऑक्साइड की हम लोगों ने स्ट्रेंथ के बाद ऑक्सो एसिड के स्ट्रेंथ के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। तो इसमें हम लोगों ने बताया था कि सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है, मेटल आयन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होता है। तो इसमें कैसे देखते हैं कि सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, जिसकी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ से बेटर है कि मैंने यहाँ पे बताया था HClO है, HClO2, HClO3 एंड HClO4 है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या थी। तो यहाँ पे इसके पास एक ऑक्सीजन है, इसके पास दो ऑक्सीजन है, इसके पास तीन है, इसके पास चार है। तो जितने ज़्यादा ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल या नॉन मेटल के साथ लगेंगे उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी होगी। फिर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग देखें तो इसका है +1, इसका है +3, +5 एंड +7, ठीक है। तो जितने ही ज़्यादा मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो मेटल की जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी
हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये चीज याद रखें कि जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होगी। उसके बाद मैंने तुम्हें ऑक्साइड्स के बारे में बताया था। अगर मेटल में सिर्फ ऑक्साइड्स हैं तो AOC और BRI का कॉन्सेप्ट लगता है, एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एंड कोवलेंट बेसिक रिड्यूसिंग एंड आयनिक। ठीक है, तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल कोवलेंट होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, और जितना ज्यादा आयनिक उतना ज्यादा बेसिक। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ज्यादा है तो उसके बेसिस पे तुम बता सकते हो कि वो एसिडिक है या नहीं है। ठीक है, तो ऑक्साइड्स हैं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो कोई भी ऐसा एटम जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है वो उसके साथ कोवलेंट बनाएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो उसके साथ आयनिक कंपाउंड बनाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने CO2, SiO2, GeSn में SN की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लो है, ऑक्सीजन की हाई है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होता है तो कंपाउंड कैसा बनता है, आयनिक बनता है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होता है तो कंपाउंड बनता है कोवलेंट। तो अगर कंपाउंड कोवलेंट है तो वो एसिडिक होगा, और अगर वो आयनिक है तो वो बेसिक होगा। तो ये मैंने बताया था। यहाँ पे भी मैंने तुम्हें बताया था FeO एंड Fe2O3 में से एक की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, एक की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा। तो जो कोवलेंट कंपाउंड वाला होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और जो आयनिक कंपाउंड वाला होगा वो ज़्यादा बेसिक। उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोग कह रहे थे एसिड बेस प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट्स की क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती है कि वो एसिडिक सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, बेसिक सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। तो इनकी जो एसिडिटी और बेसिसिटी होती है वो डिपेंड करती है कि वो किस एसिड से या किस बेस से आए। तो यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट्स कैसे होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स। क्योंकि ये वाटर में जाने के बाद उसका pH को कुछ भी ऑल्ट्रेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सॉल्ट जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो उसे हम लोग न्यूट्रल कहेंगे। ठीक है, तो मैं न्यूट्रल को फिर से बताता हूँ क्योंकि ये डीप में पढ़ाना है। तो न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं ये एक कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो आयन्स होंगे वही न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे NaCl। ठीक है, तो NaCl, ठीक है, इसमें क्या करना है, H और OH हम लोग को डालना है। तो N यहाँ पे H डालेंगे, सॉरी यहाँ पे उल्टा करेंगे हम लोग, H इधर डालेंगे, OH इधर डालेंगे। तो ये बन जाएगा NaOH और ये बन जाएगा HCl। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो NaCl क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग और देखते हैं Na2SO4। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, H इधर डालेंगे, OH इधर डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे दो दो डालेंगे क्योंकि यहाँ पे सल्फेट की दो वैलेंसी होती है। तो ये बन जाएगा H2SO4 और ये बनेगा NaOH, लेकिन दो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये Na2SO4 भी क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। तो उसे तुम्हें बना के देखना है कि किस टाइप का सॉल्ट तुम्हारा बन रहा है। ठीक है, और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ठीक, कैल्शियम क्लोराइड किससे बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl से। ठीक है, तो HCl स्ट्रॉन्ग है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग है, तो कैल्शियम क्लोराइड भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो इस तरीके से तुम्हें ध्यान रखना है कि जो सॉल्ट है वो किस एसिड या किस बेस से बन रहा है। अगर वो स्ट्रॉन्ग से बन रहा है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। अगर एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है तो वो एसिडिक और बेसिक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक और देखते हैं, जैसे हमारे पास है K2CO3। K2CO3 में HOH डालेंगे, तो H इधर डालेंगे, OH इधर डालेंगे, तो ट्वाइस ऑफ KOH प्लस H2CO3। H2CO3 क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये है वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका मतलब ये क्या है, इट इज नॉट न्यूट्रल, ये न्यूट्रल नहीं है। एक और करते हैं,
अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में हम लोग क्या डालेंगे, एच ओ एच डालेंगे, एच ओ एच, तो ये बनाएगा एन एच फोर ओ एच प्लस एच सी एल। तो ये भी क्या है, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से अगर ये बना है तो ये भी नॉट न्यूट्रल है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो एसिडिक है बेसिक है, इनमें से तुम्हें देखना है कि कौन स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बेस ज़्यादा स्ट्रांग है, और यहाँ पे मैं देखूँ तो एच सी एल ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जो स्ट्रांग होगा, एच सी एल ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये जो पूरा सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा, ठीक है। यहाँ पे ये तो वीक है और ये स्ट्रांग है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो भी क्या बनेगा, बेसिक बनेगा। तो ये स्ट्रांग बेस है, तो इस वजह से ये सॉल्यूशन क्या बना, बेसिक बना, ठीक है। तो इसको अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो सॉल्ट्स दैट यील्ड्स एसिडिक सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्ट्स जो एसिडिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अ सॉल्ट कंसिस्टिंग ऑफ केटायन ऑफ वीक बेस। तो जो केटायन होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, वीक बेस का होना चाहिए, और एनायन किसका होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड का होना चाहिए, ठीक है। तो केटायन को हम लोग पहले लिखते हैं और एनायन को हम लोग बाद में लिखते हैं। तो जो केटायन होना चाहिए वो किससे होना चाहिए, वीक बेस का होना चाहिए, और जो एनायन होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है। अब अगर ये नहीं याद रहता है तो तुम्हें सिर्फ इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। इक्वेशन लिखोगे और तुम्हें उससे पता चल जाएगा। मैं और कुछ एग्जांपल देता हूँ, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। सो बेरियम क्लोराइड बनेगा बेरियम हाइड्रोक्साइड से प्लस एच सी एल से, ठीक है। एच सी एल क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या हो गया, वीक बेस, ठीक है। तो एच सी एल क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है। तो वीक बेस तो पूरा टूटेगा नहीं, बट एच सी एल क्या होगा, कम्प्लीटली टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एच प्लस आयन ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन, जिसकी वजह से ये जो बी ए सी एल टू होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। और कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एफ ई एस ओ फोर, ठीक है, एफ ई सी एल थ्री, ये किससे बनेंगे, एफ ई ओ एच ट्वाइस, और यहाँ पे एफ ई ओ एच थ्राइस प्लस एच टू एस ओ फोर प्लस एच सी एल, तीन एच सी एल, ठीक है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन ये क्या है, वीक बेस एंड वीक बेस, ठीक है। तो जो भी स्ट्रॉन्ग होता है उसी के रिगार्डिंग वो जो सॉल्ट होता है वही वो लेता है, ठीक है। तो दोनों में से देखना है कौन स्ट्रांग है, जो स्ट्रांग है वही जो सॉल्ट होगा वो उसका पीएच डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे एफ ई एस ओ फोर एंड एफ ई सी एल थ्री दोनों ही क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। किसी को कोई डाउट, ठीक है। तो इसमें हमें ये पता चल रहा है कि जो जो सॉल्ट्स हैं वो क्या है, एसिडिक सॉल्ट्स हैं। बस तुम्हें क्या देखना है कि कैसे वो टूटेंगे, और उसमें से जो स्ट्रांग होगा वही करेक्टरिस्टिक उसके सॉल्ट का भी होगा। वीक में क्या करेंगे, वीक में भी हमें यही देखना है कि कौन सा एसिड बन रहा है, कौन सा बेस बन रहा है, उसमें से जो स्ट्रांग होगा वही होगा, ठीक है। तो वो तो जनरल हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है सी एच, यही ले लेते हैं सी एच थ्री सी ओ एन ए। अब इसमें क्या करेंगे, एच ओ एच डालेंगे, यहाँ पे ओ एच जाएगा और यहाँ पे एच जाएगा। ये उल्टा है क्योंकि यहाँ पे पहले एनायन लिखा गया है और फिर केटायन यहाँ पे है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले लिखते हैं और उसको सॉल्ट को, वो जो एन ए और के है लिथियम है, उनको हम लोग बाद में लिखते हैं, ठीक है। जैसे आर एम जी एक्स लिखते हैं, तो नेगेटिव पार्ट को पहले लिखा है और पॉजिटिव पार्ट को बाद में लिखा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो वहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, जब भी तुम्हें कार्बन वाले कंपाउंड दिखेंगे तो पहले एच डाल देना और उसके बाद ओ एच। तो ये बन जाएगा सी एच थ्री सी ओ ओ एच प्लस एन ए ओ एच। ये है स्ट्रॉन्ग, ये है वीक, ठीक है। तो ये तो है बेस और ये है एसिड। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा है, बेस है, तो ये सी एच थ्री सी ओ एन ए क्या होगा, बेसिक होगा। तो इस तरीके से तुम कोई सा भी सॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हो कि वो सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है या क्या है, ठीक है। पीछे वाले कंपाउंड में क्या बता रखा था, कैसे अमोनियम क्लोराइड को अगर हम लोग वाटर में डालेंगे तो हमें आयन्स क्या देंगे, अमोनियम देंगे और क्लोराइड देंगे, ठीक है।
अब इसमें जो क्लोराइड होता है ना वो रिएक्शन तो करता नहीं है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन NH4 क्या करता है, वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हो जाएगा, वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा और क्या डाल बना देगा, NH3+H3O+। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गई तो वो क्या हो गया, एसिडिक सोल्यूशन हो गया। तो इसलिए अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, एसिडिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, इसी तरीके से CH3CO- वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, CH3COH+OH-। अब रिएक्शन में OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो सोल्यूशन है वो भी क्या बन जाता है, कंपैरेटिवली बेसिक बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ कॉमन मेथड जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से उसे, मतलब दिस इज अ कॉमन मेथड जहाँ पे हम लोग किसी भी सॉल्ट को जज कर सकते हैं कि वो स्ट्रांग है या वीक है। ठीक है, सो लेट्स डू वन मोर थिंग। जैसे मेरे पास है Na3PO4। ठीक है, तुम लोग मुझे बताओ कि एसिडिक है या बेसिक है। तो इसमें क्या करेंगे, OH पहले डालेंगे फिर H डालेंगे, तो ये तीन बनेंगे, थ्राइस ऑफ Na+H3PO4। बताओ Na3PO4 एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है या न्यूट्रल है। मुझे सुनाई नहीं दे, एक बार फिर से बोलो। बेसिक है, कौन बोल रहा, मुझे पता नहीं चल रहा। हाँ वो तो समझ में आ गया, लेकिन किसने बोला, नाम क्या है। अच्छा पीहू बोल रही है। एक्चुअली यहाँ पे पहले तो पता चलता था कि कौन बोल रहा है, लेकिन अभी आज पता नहीं चल रहा मुझे। ठीक, सो NaOH क्या है, स्ट्रांग है, और ये क्या है, वीक है। ठीक है, तो जो सोल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, स्ट्रांग वाले का ही होगा, और ये स्ट्रांग क्या है, ये बेस है, तो ये जो Na3PO4 है ये भी क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, प्रिडिक्ट करना है कि ये किससे बना है, कैसा है, क्यों है, वो सब बताना है। ठीक है, सो फर्स्ट इज KClO4, तो ये बनेगा KOH से, हम लोग रिएक्शन करके देखते हैं, +H2O। KOH+HClO4 ये बनेगा, बताओ क्या है ये। बेसिक है ये, बाकी सब कोई और बताएगा, सब एग्री कर रहे हैं। बेसिक होगा सर, बेसिक, अमन बेसिक है, KOH क्या है, बेस है, HClO4 क्या है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जो न्यूट्रल है ना। HClO4 तुम कैसे बोल सकते हो कि HClO4 ज्यादा एसिडिक होता है इवन H2SO4 से। स्टार्टिंग में ही मैंने तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए थे कि HClO4 के चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, HClO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है H2SO4 से, देन HNO। उसमें कितने होंगे, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, मतलब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, है तीन चार तो नहीं है वे? तो H3PO4 तो वीक होता है,
जो तुम्हें नहीं याद रहे तो उनको तो तुम याद कर सकते हो जो कॉमन होते हैं, ठीक है। H3PO4 वीक ही होता है, HClO4 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तुम्हें याद रखना है, ठीक है। चलो एटलीस्ट आज के क्वेश्चन के बाद तुम्हें याद रहेगा कि HClO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इवन स्ट्रॉन्गर देन H2SO4 एंड HNO3, ठीक है। H2SO4 और HNO3 से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा, HClO4, क्लियर। नेक्स्ट सोडियम बेंजोएट है, इसको वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे, तो इक्वेशन तो मैं ही लिखूंगा। ठीक है, बेंजोइक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा वीक एसिड होता है। तो ये हो गया वीक एसिड, ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, तो अगर वीक आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस के उस पे ही ये चीज होगा, वो होगा बेसिक, ठीक है। थर्ड है क्रोमियम नाइट्रेट, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और ये हो गया वीक बेस, ठीक है। तो ये एसिड है, तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये भी क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है, क्लियर। सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। इट सीम्स कि सबको क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देता हूँ जो तुम्हें होमवर्क के लिए करने हैं। फर्स्ट ही हो गया, पूरा इक्वेशन भी लिखना है तुम्हें, ठीक है। ये है सोडियम ऑक्सलेट, ठीक है। हाँ ये पांच है, ठीक है, तो ये होमवर्क के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर तुम बाकी पीडीएफ में चेक कर लेना। तो ये तुम्हारा होमवर्क के लिए, कल मैं पूछूंगा कि ये किस टाइप के हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन एंड द लुईस एसिड बेस डेफिनेशन, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने अरहिनियस कर लिया है, ब्रोंस्टेड कर लिया, और ब्रोंस्टेड करने के बाद हमारे पास इतने सारे कॉन्सेप्ट से डिटेल में डिस्कस करने के लिए कि हम लोगों ने सब देख लिया कि कैसे पीएच निकालते हैं, कैसे पीओएच निकालते हैं, सॉल्ट्स कैसे होते हैं, सब कुछ हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो लुईस एसिड बेस्ड की आती है, ठीक है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें जो बेस होते हैं, जो लुईस बेस होते हैं, कोई भी ऐसी स्पीशीज हो सकती है जो डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, जो अपने लोन पेयर डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब किसकी बात चल रही है, लोन पेयर की बात चल रही है। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल आयन या कुछ भी एटम है, कोई भी स्पीशीज है, अगर वो अपने लोन पेयर देने के बाद एक बॉन्ड बना लेती है तो उसे हम लोग बेस बोलेंगे। और लुईस एसिड क्या होता है, जो एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो बेस मैं बोलूंगा दैट डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, ठीक है। और एसिड क्या होते हैं, दैट एक्सेप्ट्स जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, उसे हम लोग एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे हम लोग देखेंगे तो NH3 इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ किसका,
लुईस बेस का, ठीक है, ये क्या है, लुईस बेस है, क्योंकि NH3 बहुत आराम से अपने लोन पेयर दे देता है। तो अगर NH4 किसको दे रहा है, लोन पेयर दे रहा है फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव को, तो इसने लोन पेयर किसको दे दी, इसको दे दी, और ये बना दिया NH4 पॉजिटिव। तो इसको हम लोग बोलेंगे लुईस बेस, जिसने लोन पेयर दिए हैं वो है लुईस बेस, और जिसने लोन पेयर लिए हैं वो है लुईस एसिड। और लुईस एसिड बेस क्या बनाएंगे, एक अडक्ट बनाते हैं, जो सॉल्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं एडक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे NH3 है और BF3 है, तो NH3 अपने लोन पर बोरॉन को दे देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा NH3 BF3, ठीक है। इसके पास आया पॉजिटिव, इसके पास आया नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब न्यूट्रल, तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और लिख के भी छोड़ सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये क्या है, एडक्ट है। तो लोन पेयर कौन दे रहा है, ये दे रहा है, तो ये है लुईस बेस, और ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये लुईस एसिड। अब Fe+3 है और यहाँ पे हमारे पास वाटर है, तो वाटर क्या करेगा, अपने लोन पेयर Fe को दे देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3, 6 ये है, तो ये बना लेगा Fe(OH)6+3, ठीक है। तो इसने ये क्या कर दिया, हाइड्रेट हो गया, इसमें OH2 जो थे वो है लोन पेयर, सॉरी लुईस बेस, लोन पेयर डोनेट किया, और Fe ने लोन पेयर एक्सेप्ट किया, तो ये है लुईस एसिड, ठीक है। सो जनरली एसिड क्या होंगे, ऐसे कोई भी कंपाउंड होंगे जिसके पास फ्री एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। तो लुईस एसिड के पास एम्प्टी और वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ऑफ लो एनर्जी, ठीक है। तो कम एनर्जी के वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, इसमें बोरॉन आता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये सारे जो जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है वही यूज होते हैं। बाकी इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और वो आयनिक कंपाउंड बना लेते हैं। लेकिन बोरॉन और एल्यूमिनियम, ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं और इनका ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इन्हें ज़बरदस्ती 1-2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, सो दैट ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए। तो जैसे BF3 हो गया, BCl3 हो गया, एंड ETC, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ भी AlCl3 है, AlF3 है, ये सारे क्या हैं, लुईस एसिड्स, ठीक है। और बेस कोई भी हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन के ग्रुप का, ऑक्सीजन के ग्रुप का, फ्लोरीन के ग्रुप का, जिसके पास लोन पेयर हो। तो फ्लोरीन के ग्रुप के पास 3 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 और नाइट्रोजन के पास 1। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब लुईस बेस की तरह करते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरेलियम, पोलोनियम, ये भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, ये सारे क्या हैं, लुईस बेस की तरह। तो बस तुम्हें याद रखना है कि लुईस बेस अगर होंगे तो वो इन्हीं 3 ग्रुप से होने होंगे, ठीक है, और किसी ग्रुप से नहीं होंगे। और लुईस एसिड क्या होता है, किसी भी ग्रुप का हो सकता है, पी ब्लॉक में से इनके ग्रुप का हो सकता है, या फिर कोई भी मेटल आयन हो सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है पॉजिटिव हुआ, जैसे डी ब्लॉक में Fe+3, Mn+2, Mn+5, ठीक है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, खाली है, और उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये डी ऑर्बिटल में फुल फ्लेज्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बस तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब ये रिएक्शन है, आइडेंटिफाई लुईस एसिड एंड लुईस बेसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमें लुईस एसिड और लुईस बेसिस को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे क्या है, OH- के पास काफ़ी सारे लोन पेयर हैं, उसने H+ को दे दिया, तो ये बन गया H2। तो लोन पेयर किसका है, OH- का है, तो ये हो गया लुईस बेस, और H+ ने क्या है, इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे लुईस एसिड। पॉजिटिव नेगेटिव था, तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है, तो राइट हैंड साइड पे भी 0 होगा। BCl3 और Cl-, ठीक है। तो Cl- है, हमारे पास क्या होगा, या तो नाइट्रोजन के ग्रुप का, या ऑक्सीजन के ग्रुप का, या फ्लोरीन के ग्रुप के ही एलिमेंट्स लुईस बेस हो सकते हैं। तो क्लोरीन है, तो चांसेस हैं कि फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है, तो लुईस बेस हो सकता है। अब BCl3 है, तो क्लोरीन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे दिया, तो ये क्या बन गया, BCl4 बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लुईस, हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम,
तो सी एल नेगेटिव क्या हो गया, लुईस बेस है, एंड बी सी एल थ्री इज लुईस एसिड। के प्लस प्लस सिक्स एच टू ओ, ठीक है, तो के प्लस क्या है, लुईस एसिड, एंड एच टू ओ क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की ग्रुप्स है, तो ये क्या होगा, लुईस बेस होगा। सो इस तरीके से हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसने किसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इस तरीके से हमें पता चल जाता है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड बनता है इस तरीके का, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक ही एटम के होते हैं और वो दोनों चले जाते हैं दूसरे एटम के पास, ठीक है। तो होता ये क्या है कि इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स फ्रॉम वन एटम ओनली, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है लेकिन सिर्फ एक ही एटम से होती है, दोनों एटम से नहीं होती है। तो दो, एक इलेक्ट्रॉन, एक जो बॉन्ड बनेगा वो दो इलेक्ट्रॉन से बनेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन क्या क्या देगा, सिर्फ नाइट्रोजन देगा, बोरॉन नहीं देगा, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दिया, एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन ने दिया, तो एक बॉन्ड बन गया और एक बॉन्ड बनने के बाद क्या होगा, ये कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। किस टाइप का बॉन्ड बन गया, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड तो होता है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज अ टाइप ऑफ अ बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है पोलर होता है और इसका इस तरीके से एरो से दिया जाता है, ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है। हेड किसके पास जाएगा, जिसने लोन पेयर दिया वहां पर टेल होगा, जिसके पास लोन पेयर आ रहे हैं उसके पास हेड होगा, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड जैसा ही होता है, सब कुछ सेम होता है, बस ये थोड़ा सा पोलर होता है क्योंकि इसमें पोलैरिटी है कि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, तो एरो बन रहा है, तो इस तरीके से ये बन जाता है, ठीक है। सबको क्लियर है लुईस एसिड बेसिस, ठीक है, किसी को कोई डाउट, ठीक है। नाउ वी कम टू द लास्ट, सेकेंड लास्ट टॉपिक हमारे जो टॉपिक का है, दैट इज बफर सॉल्यूशन। तो ये बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे काम करते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो बफर सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो पीएच में, इनके पास कोई खास डिफरेंस नहीं आता जब थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डाला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लूंगा, NaCl है और NH4COO, अमोनियम एसिटेट है, ठीक है, एक है NaCl और ये, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या डाला, HCl डाला, तो इसका pH पहुंच गया, पहले pH इसका 7 था और इसका भी pH क्या था, 7 था। दोनों में मैंने क्या डाला, HCl डाला, तो इसका pH पहुंच गया, एक ड्रॉप HCl डाला, ठीक है, इसका pH पहुंच गया 5, ठीक है। सॉल्यूशन में न्यूट्रल सॉल्यूशन था, न्यूट्रल सॉल्यूशन में है तो एसिड डालोगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, तो 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसमें मैंने एक ड्रॉप HCl डाली तो इसका जो pH था वो 6.9 हो गया, ठीक है। तो तुम्हें डिफरेंस पता चल रहा है, दो सॉल्ट है हमारे पास, एक NaCl है और एक अमोनियम एसिटेट है, दोनों का pH क्या था, 7 था और दोनों में मैंने एक एक ड्रॉप HCl डाली, तो जो NaCl के सॉल्यूशन में था कि pH क्या हो गया, कुछ ज़्यादा कम हो गया, 5 पे चला गया, और अमोनियम एसिटेट में जो एक ड्रॉप HCl की डाली उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, 6.7 था, 6.9 कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर से एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हम लोगों ने एक ड्रॉप बेस डाला, स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका पीएच पहुंच गया 10 पे, 10 मैंने बहुत ज्यादा ले लिया, 7 से 10 पे पहुंच गया, चलो मैंने थोड़ा ज्यादा डाल दिया, 3 या 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप डाल दिया, ठीक है, NaOH, और इसका पहुंचा 8 पे, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या पता चल रहा है कि NaCl में अगर हम लोग थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालते हैं तो उसका पीएच क्या हो जाता है, एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में पहुंच जाता है, लेकिन अमोनियम एसिटेट के सॉल्यूशन में अगर हम लोग डालते हैं थोड़ा सा HCl या थोड़ा सा बेस
तो पीएच में चेंजेस नहीं हो रहे हैं जितने होने चाहिए थे। 7 पीएच तो दोनों का ही है। एनएसीएल में क्या है कि जो थोड़ा सा एचसीएल डालने पे पीएच एचसीएल का आ रहा है और थोड़ा सा एनओएच डालने पे पीएच ओएच का एनओएच का आ गया, लेकिन यहाँ पे एचसीएल का जो पीएच जितना आना चाहिए था वो तो आ ही नहीं रहा है, और एनओएच का जो पीएच आना चाहिए था वो भी नहीं आ रहा है। किसके केस में? अमोनियम एसीटेट के केस में। ठीक है, ये है अमोनियम एसीटेट, अमोनियम कैटायन है तो पहले लिखेंगे। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि पहले मुझे बताओ कि NaCl है एक न्यूट्रल सॉल्ट, अमोनियम एसीटेट भी है न्यूट्रल सॉल्ट। अब ये न्यूट्रल सॉल्ट कैसा न्यूट्रल सॉल्ट है? ये जो न्यूट्रल सॉल्ट है ये बना है वीक एसिड, हाँ वीक एसिड एंड वीक बेस से। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, न्यूट्रल सॉल्यूशन कैसे बनाए, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से जो भी बनता है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी स्ट्रॉन्ग होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। लेकिन अगर दोनों ही वीक हैं तो भी सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल ही होगा। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है। चार टाइप के सॉल्ट हो गए तुम्हारे पास। न्यूट्रल वाले कौन से होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बने होते हैं और एक वीक एसिड प्लस वीक बेस से बनेंगे। ठीक है, तो एसिड और बेस दोनों ही वीक हैं तो उसमें पीएच क्या होता है? बराबर ही रहता है। ठीक है, लेकिन जब उसमें थोड़ा सा एचसीएल थोड़ा सा बेस डालते हैं तो उनके बीच में जो पीएच का डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि अमोनियम एसीटेट इज रेजिस्टिंग, क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्टिंग द पीएच चेंज। ठीक है, पीएच चेंज को होने से रोक रहा है अमोनियम एसीटेट। ठीक है, तो इसलिए इसे हम इस टाइप के सॉल्यूशन जो पीए एसिड और बेस डालने पे उसके पीएच को चेंज होने से रोकते हैं, इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर तुमने थोड़ा सा एसिड डाला या थोड़ा सा बेस डाला लेकिन पीएच बहुत हद तक चेंज नहीं हो रहा, थोड़ा सा पीएच चेंज हो रहा है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। ठीक है, सो एन एसिड बेस बफर इज अ सॉल्यूशन दैट लेसेंस, जो कि क्या करेगा? लेसन करेगा, मतलब कम कर देगा द इम्पैक्ट ऑफ ऑन पीएच ऑफ एडिशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, तो एसिड और बेस के एडिशन पे जो पीएच चेंज होना चाहिए तो उसके जो इम्पैक्ट को अगर कोई चीज़ कम कर देती है तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन बोलते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा भी एसिड या थोड़ा सा भी बेस डालेंगे तो उसका पीएच चेंज कंपैरेटिवली नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन, एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बफर सॉल्यूशन इज ब्लड। ठीक है, हमारा जो खून है, जो ब्लड होता है वो एक बफर सॉल्यूशन होता है। क्यों बफर सॉल्यूशन होता है? क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है उसको मिनिमम पीएच ही होता है, हमारा जो ब्लड होता है लिटिल बिट बेसिक होता है। ठीक, तो जो थोड़ा बहुत जो पीएच है वो ऐसे, अगर मैंने कुछ एसिडिक खाना खा लिया जैसे मैंने नींबू पानी ले लिया या सिर्फ विनेगर थोड़ा सा पी लिया, इस टाइप की कुछ एसिडिक चीज़ खा ली, तो मेरा जो खून होगा वो एसिडिक हो जाएगा। अगर मेरा जो खून एसिडिक हो जाएगा तो उसके अंदर जो एंजाइम है वो काम करना बंद होंगे, कर देंगे। ठीक है, तो एंजाइम्स को क्या चाहिए होता है? एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है काम करने के लिए। हमारी बॉडी टेम्परेचर तो रेगुलेट कर लेती है तो अंदर तो हमेशा ही 37 रहता है, लेकिन अगर पीएच थोड़ा सा भी चेंज होगा तो हमारी बॉडी सही से काम नहीं करेगी, उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। तो ब्लड का क्या होता है कि एक परफेक्ट पीएच है, एक रेंज है पीएच की, लाइक 7.5 to 8 ऐसी कुछ होगी। ठीक है, मुझे पता नहीं कितनी है, मैं बस हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ। तो अगर तुम एसिडिक खाना भी खा लोगे तो वो उसका पीएच ज़्यादा चेंज नहीं होगा, तुम बेसिक खाना खा लोगे तो उसका पीएच ज़्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर उसका पीएच ज़रूरत से ज़्यादा चेंज हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हमारी बॉडी काम ढंग से काम करना बंद कर देगी। ठीक है, सो ब्लड को इस तरीके से बनाया गया, ब्लड को बफर सॉल्यूशन ही बना दिया कि चाहे तुम कुछ भी खा लो ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा एसिडिक एसिडिक खाना खाया जा रहा है तो ब्लड भी क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा और फिर तुम्हारा जो एंजाइम है वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन क्या करते हैं? वो रेजिस्ट करता है, लेकिन उनकी एक विंडो होती है कि इससे ज़्यादा वो रेजिस्ट नहीं कर सकता। तुम एसिड डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे तो सॉल्यूशन एसिडिक होना ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर एसिड डाला है या थोड़ा सा बेस डाला है तो उसका जो
इम्पैक्ट है उसको अगर कम हो जाता है तो वो बफर सॉल्यूशन है, और बफर सॉल्यूशन के लिए काम करने के लिए उसकी एक विंडो होती है कि इतने से इतने रेंज में ही वो काम कर पाएगा। अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा एसिड डालोगे तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा बेस डालोगे तो सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। सबको क्लियर? ठीक है, तो ये काम कैसे करता है तो इससे पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा, मैं ट्राई करता हूँ इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अब पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि बफर सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं। तो बफर सॉल्यूशन की बनाने के लिए हमें पता है एक चाहिए वीक एसिड, वीक बेस। ठीक है, तो दोनों एसिड बेस वीक होंगे तो वो कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा, बफर बन जाएगा। ठीक है, दूसरा जो कॉमन मेथड होता है हमें चाहिए होता है वीक एसिड प्लस वीक सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। ठीक है, बनाना है तो हमें वीक ही एसिड चाहिए होगा। कैसा एसिड चाहिए होगा? वीक चाहिए होगा, और उसी का सॉल्ट या फिर वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस। ठीक है, वीक बेस का सॉल्ट, ये दोनों भी मिलके क्या बनाता है? बफर बनाता है। ठीक, तो एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं, जैसे वीक एसिड मैंने ले लिया एसिडिक एसिड CH3COH, एसिडिक एसिड ले लिया और उसका सॉल्ट, तो सॉल्ट जैसे ले लिया उसका CH3COONA। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं मिला दूँ, ठीक है, सॉल्यूशन में डाल दूँ तो ये बफर बन जाएंगे। बेसिक का देखते हैं, जैसे अमोनिया ले लिया NH4, NH3 ले लिया, ठीक है, और इसमें मैंने डाल दिया अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अमोनिया इज बेसिकली अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसी का सॉल्ट ले लिया, ये वीक बेस है और उसका ये सॉल्ट है, तो दोनों मिलके ये भी क्या बना लेंगे? बफर बना लेंगे। ठीक, क्लियर हो गया? तो हमें जब भी क्वेश्चन ये आ सकता है कि चार ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से तुम्हें फाइंड आउट करना है कि कौन सा बफर है, तो तुम्हें देखना है कि एसिड भी वीक होना चाहिए और उसका सॉल्ट भी होना चाहिए साथ में। ठीक है, तो एक जो आयन होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए, दोनों में से एक आयन क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो शो करेगा कॉमन आयन इफेक्ट। अब वो क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ। CH3CO, तो वीक एसिड है तो उसी का सॉल्ट होना चाहिए, यहाँ पे वीक बेस है तो उसी का सॉल्ट है। ठीक, ये ज़रूर होना चाहिए। तो जो बफर सॉल्यूशन होता है वो काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। क्या नाम, क्या काम है उसका? कॉमन आयन इफेक्ट होना चाहिए, एक आयन कॉमन होना चाहिए, अगर आयन कॉमन नहीं होगा तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, ये मैं बताता हूँ कॉमन आयन इफेक्ट क्या है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने लिया है, एक सॉल्यूशन लिया है, बफर हैज इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव एंड एच। यहाँ पे क्या है कि ए नेगेटिव और एच दोनों की इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है, ये एच ए है। अब यहाँ से तुम देखो जो अकेले अकेले हैं वो एच ए हैं, ये भी एच ए है, ये एच ए है और एच ए, तो चार एच ए हैं। ए नेगेटिव क्या है? चार है। ठीक है, मतलब एच ए क्या है? वीक एसिड है और ए नेगेटिव उसका सॉल्ट है। ठीक है, ए नेगेटिव पॉजिटिव में जो भी होगा, पॉजिटिव का कुछ काम नहीं होता, लेकिन वो उसका सॉल्ट ही चाहिए होता है, या CH3CO नेगेटिव ही चाहिए। ठीक है, अब इसमें तुमने क्या डाला? OH नेगेटिव डाल दिया। अब OH नेगेटिव डालने से क्या होगा कि जो HA है ये क्या है? एसिड है, और OH नेगेटिव क्या है? बेस है, तो एसिड और बेस क्या करेंगे? कंबाइन कर देंगे, तो HA ये यहाँ ही पड़ा होता है, ये वाला HA यहीं रह गया और ये ऊपर वाला एच है यहीं है। ठीक है, ए नेगेटिव इधर है, ये ए नेगेटिव इधर है, ये ए नेगेटिव इधर है और ये ए नेगेटिव थोड़ा इधर से इधर आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसमें से जो एच ए था, ये जो एच ए था, इसने एच ए ने ओ एच नेगेटिव के साथ कंबाइन करके क्या बना दिया? एच टू ओ प्लस ए नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ए नेगेटिव एक्स्ट्रा मिल गया और जो बाकी था वो सीधा H2O मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो A नेगेटिव क्या है? वीक बेस है, वीक बेस है तो वो pH को ज़्यादा चेंज नहीं करेगा, समझ में? तो pH ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन OH नेगेटिव ऐसे ही पड़ा रह जाता तो pH बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता। ठीक है,
तो ओ एच नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ए एक नेगेटिव क्या है, वीक बेस है। वीक बेस पीएच में ज़्यादा चेंज नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस पीएच में क्या करेगा, बहुत ज़्यादा चेंज कर लेगा। ठीक है, समझ में नहीं आया। यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे तुमने क्या डाला, बेस डाला कौन सा, ओ एच नेगेटिव। तो एच ए क्या था, एसिड था, एसिड क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, क्या देगा, ए नेगेटिव प्लस एच टू। ठीक है, तो ओ एच नेगेटिव ने एच ए के साथ रिएक्ट करके क्या दे दिया, ए नेगेटिव एंड एच टू। ये जो ए नेगेटिव है ये है वीक बेस, और जो ओ एच नेगेटिव था वो है स्ट्रॉन्ग बेस। ए नेगेटिव क्या है, वीक बेस है, एंड ओ एच नेगेटिव क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ए नेगेटिव क्या करेगा, लेस चेंज इन पीएच, पीएच में क्या होगा, कम ही चेंज होगा, और ओ एच नेगेटिव स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होगा, हाई चेंज इन पीएच, पीएच में क्या हो जाएगा, ज्यादा चेंज हो जाएगा। सिंस ओ एच नेगेटिव ने रिएक्ट एच ए के साथ रिएक्ट कर लिया और क्या बचा, ए नेगेटिव बचा, तो ए नेगेटिव क्या करेगा, पीएच में ज्यादा चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ए नेगेटिव यहाँ पे सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई सी एच थ्री सी ओ एच से, क्योंकि सी एच थ्री सी ओ एच जब तीन है और ए नेगेटिव कितने हैं, पाँच है, पहले चार ये थे और चार ये थे। ठीक है, तो पी एच में जो चेंज है वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सी एच थ्री सी ओ एच ने ओ एच नेगेटिव के साथ रिएक्ट किया, सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव प्लस एच टू बना दिया, और ये क्या है, वीक बेस है। ठीक है, वीक बेस पी एच में ज़्यादा चेंज नहीं करते। तो स्ट्रॉ डाला तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड और चेंज किया और बन क्या गया, वीक बेस बन गया। तो वीक बेस बनने की वजह से पीएच में ज्यादा चेंज नहीं हुआ। अब ये आया समझ में, दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, तुमने एच थ्री ओ पॉजिटिव डाला। अब एच थ्री ओ पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो एच थ्री ओ पॉजिटिव बेस क्या है, ए नेगेटिव है, इसके साथ रिएक्ट करके एच ए प्लस एच टू दे देगा। तो एच ए की कॉन्सेंट्रेशन जो एसिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, पहले कितने थे, चार चार थे, अब ये पाँच हो जाएंगे और ये हो जाएगा तीन। तो एच ए एच ए एच ए ये है ए नेगेटिव, ये है ए नेगेटिव और ये है ए नेगेटिव। ठीक है, तो ए नेगेटिव तीन हो गए, ये पाँच हो गए। तो तुमने क्या डाला, स्ट्रॉन्ग एसिड डाला और वो किस में कन्वर्ट हो गया, वीक एसिड में। एच ए क्या है, वीक एसिड है, तो वीक एसिड क्या करेगा, पीएच में ज्यादा चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो पीएच में ज्यादा चेंज नहीं हुआ तो इसलिए पीएच क्या हो गया, रेजिस्ट हो गया। क्लियर, तो इसी तरीके से बेस काम करता है। ठीक है, तो अब हम लोग प्रॉपरली देखते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या। तो बेस जब हम लोग बनाते हैं तो बेस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वीक एसिड या वीक बेस चाहिए होता है, और साथ में क्या चाहिए हमें, एक सॉल्ट चाहिए, उसी का सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सी एच थ्री सी ओ एच लिया और ये क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, एच थ्री पॉजिटिव एंड सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव यहाँ पे डाल देगा। अब हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए डाल दिया। सॉल्ट क्या होता है, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, सॉल्ट एसिड बेस तो है नहीं, ये क्या होता है, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है और ये आयन से देता है। अब रिएक्शन यहाँ पे हो रही थी, इनके बीच में क्या है, एक आयन कॉमन है, ये वाला जो आयन है वो कॉमन है, मैं तुम्हें नेक्स्ट उसमें लिख के दिखाता हूँ। तो ये लिया और ये इसने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्ट करके CO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव दे दिया। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया वीक एसिड। ठीक है, और अब हम लोग ने डाल दिया उसका सॉल्ट, सॉल्ट मैंने ले लिया सी एच थ्री सी ओ एन ए सोडियम एसिटेट। अब जो सोडियम एसिटेट होता है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो लेट मी अज्यूम कि क्या क्या रिएक्शन थी और कैसे कैसे थी, तो मैं इस रिएक्शन को फिर से लिखता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 मॉलिक्यूल डाले थे, इसके तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो पहले ये इनिशियल में ये जीरो था,
ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम में आया तो इसके पांच इसके बचे, पांच ये हुए और पांच ये, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब ये नहीं है कि सब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है, मैंने ले लिया है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ कम ही ले रहता हूँ। यहाँ पे तीन ये है, तीन ये है, और दस में से तीन माइनस करेंगे कितना आएगा, सात आएगा, तो यहाँ पे सात, तो सात मॉलिक्यूल इसके बचे हैं और तीन तीन मॉलिक्यूल इसके बचे हैं, ठीक है। अब तुमने क्या डाला, सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए डाल दिया, जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट होके दे दिया, सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव प्लस एन ए पॉजिटिव। अब इसके तुमने डाले दस मॉलिक्यूल, तो ये जीरो जीरो थे, फिर ये क्या हो गया, कम्प्लीटली टूट गया, तो ये जीरो और ये दस दस। अब सी एच थ्री सी कॉन्सेंट्रेशन सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव की कितनी हो गई, तीन तो पहली सी थी इस वाली इक्वेशन से, और दस इस वाली इक्वेशन से हो गई, टोटल कितनी हो गई, तेरह हो गई। तो ये इक्विलिब्रियम था। अब इक्विलिब्रियम पे आने की वजह से जो ये इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि हम लोगों ने सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, वापस रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, ली शेटलियर प्रिंसिपल की वजह से, ठीक है। ली शेटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, अगर मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूँ तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, और अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूँ तो रिएक्टेंट कहाँ चली जाएगी, रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसकी तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, ज़बरदस्ती बढ़ गई, क्योंकि हम लोगों ने सॉल्ट डाल दिया था, सॉल्ट डाल दिया तो सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन तीन से सीधा हो गई 13, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो सप्रेस हो जाएगा। तो फिर मैं अज्यूम कर लेता हूँ, नौ ये बन जाएंगे, एक ये बचा और एक ये बचा, ठीक है, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये हो गया हमारा कॉमन आयन इफेक्ट, इसे हम लोग बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, मतलब कॉमन आयन होने की वजह से जो इक्विलिब्रियम की जो रिएक्शन, जो इक्विलिब्रियम था वो शिफ्ट हो जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। जहाँ पे भी कॉमन आयन है उसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम है या तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन जो उसका कॉमन आयन है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो इसको, इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला गया। अब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला गया तो ये कैसे हमें हेल्प कर सकता है बफर बनाने में, तो देखते हैं कैसे हेल्प करेगा। तो हमारे पास ये है सी एच थ्री सी ओ एच प्लस एच टू इज इन इक्विलिब्रियम विद सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव प्लस एच थ्री ओ पॉजिटिव, और साथ में हमारे पास क्या है, सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव था और एन ए पॉजिटिव है, तो इन दोनों में से ये तो कॉमन ही है, तो इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये तो है ही, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन ए पॉजिटिव भी हमारे पास क्या है, बहुत सारा है। तो पहला क्या है कि मैंने इसमें डाला एच पॉजिटिव, एच पॉजिटिव डालूंगा तो मतलब क्या है, एसिड डाल रहा हूँ मैं, एसिड डाल रहा हूँ तो एसिड क्या करेगा, किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, ये एसिड है, ये एसिड है, ये एसिड है, ये बेस है और ये बेस है, ठीक है, ये लुईस बेस है और ये ब्रोंस्टेड बेस है। तो सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है तो वो डायरेक्टली पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा, तो एच पॉजिटिव क्या करेगा, सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव से रिएक्ट कर लेगा और वो दे देगा हमें सी एच थ्री सी ओ ओ एच। सी एच थ्री सी ओ एच देने की वजह से इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सी एच थ्री सी ओ एच बन गया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब इक्विलिब्रियम क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव कर जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो कम हो गई, लेकिन अब जो स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग एसिड वो बन गया वीक एसिड में, और जैसे ही वो वीक एसिड में बना वो पीएच को ज्यादा चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा है कि हम लोगों ने क्या डाला, ओ एच नेगेटिव डाला, तो ओ एच नेगेटिव क्या करेगा, एच थ्री ओ पॉजिटिव, और तो इससे बेटर तो कोई नहीं है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यही है इनमें, तो ओ एच नेगेटिव इसके साथ रिएक्ट करके ट्वाइस ऑफ एच टू बना लेगा, ट्वाइस ऑफ एच टू जैसे ही बनाएगा तो क्या हो गया, यहाँ पे एच टू पॉजिटिव कम हो गया तो पीएच कम हो जाएगा, नहीं, फिर यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और एच टू पॉजिटिव और ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, तो पीएच में ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बेस था वो तो वाटर में कन्वर्ट हो गया,
ठीक है, उसकी वजह से जो सी एच थ्री सी ओ एच है वो टूट के क्या दे देगा, सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव प्लस एच एच थ्री ओ पॉजिटिव वाटर के साथ। तो ये क्या हो गया, उतना स्ट्रांग नहीं रहा जितना ओ एच तुमने डाला था, उतना ही एच थ्री ओ पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर वाटर बन गया। तो पी एच में कुछ खास ज़्यादा चेंज नहीं आया। और ये है कि कैसे ये बफर एक दूसरे के साथ काम करते हैं, कैसे वो पी एच को रेसिस्ट करते हैं। समझ में आया ये? यस सर। बाकी सबको आ गया? कोई डाउट है? ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, ये बफर सॉल्यूशन था, तुम्हारे क्वेश्चन में क्या आएगा सिर्फ बफर सॉल्यूशन क्या होता है। अब इसका बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालते हैं, जनरली यही क्वेश्चन आएंगे कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन तुम्हें लिखनी है। कॉमन एन इफेक्ट क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, कैसे वो चेंज करता है, हेल्प करता है, काम कैसे करता है, उसके बारे में लिखोगे। ठीक है, तो उसके बारे में एक छोटा सा नोट मैं तुम्हें दे दूंगा कि बफर्स एक्ट करता कैसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी उसका जो पीएच है कैसे निकालेंगे वो कल हम लोग देखेंगे। और लास्ट टॉपिक है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेसिस एचएसएपी प्रिंसिपल, कल उसको पढ़ेंगे, कल ये टॉपिक खत्म कर देंगे।